नमस्कार दोस्तों, आप सभी के टेक्नोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों अपना शौचालय का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि शौचालय का फॉर्म यहाँ बहुत लोगों का ऑनलाइन कर दिया गया है और स्टेट कहाँ तक पहुँचा है कहाँ तक नहीं, दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे SBM ऑनलाइन। इतना लिख के दोस्तों सर्च करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हम फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे इंटर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे अपना OTP इंटर करेंगे और कैप्चर कोड फिलअप करेंगे, सिक्योरिटी कोड। तो चलिए यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं फटाफट अपना। जब तक फिलअप करें दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नेम देखने को मिलेगा, कब का किया गया सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए, न्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। चलिए जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया। तो यहाँ पे देखिए नंबर मिलेगा और ट्रैक स्टेटस, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करते हैं दोस्तों। चलिए ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करते हैं। जैसे ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया। तो अगर दोस्तों आपको भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फॉर्म आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, पीछे आइए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल के देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसको आपको निकलवाना पड़ेगा, चाहे स्क्रीनशॉट मार्क निकालें, चाहे जैसे निकालें, निकाल के इसको अपने ग्राम प्रधान या ग्राम सहायक को ले जाकर जमा करें तभी आपका आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो दोस्तों यहीं पर रुका रहेगा। ऐसे इसको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको अपने प्रधान को एक फ़ोटो कॉपी करा कर देना पड़ेगा। एक पासबुक का होगा, एक आधार कार्ड का होगा, जो कि दोस्तों उसे ले जाके कार्यालय में जमा करेंगे, जिससे उसका इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ऐसे नए नए वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।